श्री माधव आइसोलेशन केंद्र चिकित्सा के साथ पूर्ण रूप से है समर्पित। जयपुर अंबाबाड़ी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्थित श्री माधव आइसोलेशन केंद्र इन दिनों काफी चर्चा में है। चर्चा का कारण उसकी मानव सेवा ही है, जो मरीज के साथ साथ उसके अटेंडर का भी ख्याल रखता है। सुबह की चाय से इसकी शुरुआत होती है और रात को हल्दी के दूध को देकर इस तरीके से मरीजों का ख्याल रखा जाता है। पेशेंट को तो पूरी सुविधा मुहैया होती ही है, साथ ही पेशेंट के साथ आए अटेंडर को भी यहाँ पर रहना खाना सब चीजों का ख्याल रखा जाता है, वहीं उन्हें पूरी सुविधा दी जाती है। नवभारत समाचार जयपुर राजस्थान से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। 17 डेट से है यहाँ पे। कितना स्टाफ से आप अकेले हो या और भी आपको स्टाफ सर है? ये मेरा फ्रेंड है, भाई है, कुछ बोले सर ये मेरे साथ है, और एक हमारे सीनियर है सर मनोज जी, जिनका नाम मोहित शर्मा है। मोहित जी, कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ पे आके सेवा करने का? मुझे यहाँ सेवा करके बहुत अच्छा लग रहा है, और ये श्री माधव आइसोलेशन सेवा सेंटर एक बहुत अच्छा है, जिसके घर में रहने की जगह नहीं है, जो रेंट पे रहता है वो आगे यहाँ पे रह सकता है, और सब कुछ बढ़िया है। हम यहाँ पे खाना भी टाइम पे देते हैं, मेडिकल स्टाफ पूरी अच्छी तरह सेवा दे रहा है, जैसा कि आपने पेशेंटों से पूछ लिया है, और ये श्री माधव आइसोलेशन सेंटर एक अच्छा सेंटर है। आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी, मैं इसके बारे में जरूर बताना चाहूँगा कि जो माधव आइसोलेशन सेवा केंद्र है, ये बहुत अच्छा सेवा केंद्र है। मैं खुद इसके अंतर्गत जो अपने RSS शाखा है, इसके अंतर्गत एक सेवायाम आती है, सेवायाम भी चलता है जो अपने SMS हॉस्पिटल में चलता है, उसकी मैं 3-4 साल वहाँ पर सेवा दे चुका, तो उसी के थ्रू मैं यहाँ पे आया हूँ सेवा देने के लिए। खुद की जॉब छोड़ के मैं यहाँ पे सेवा देने के लिए आया हूँ, ताकि तन मन से फ्रेंडली तरीके से पेशेंटों को मैं सेवा दे सकता हूँ। खुद की जॉब छोड़ के आप यहाँ? और यहाँ पर अच्छा फील भी हो रहा है, यहाँ तक कि कुछ भी कोई कमी नहीं है यहाँ पर, पेशेंटों को यहाँ से बेटर फील हो रहा है और पेशेंट एकदम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। आप डॉक्टर, एक बात मेरे को आपसे और पूछनी थी कि आप पेशेंट को किस हिसाब से एडमिट करते हो, कि जैसे कितना उसका ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए? हमारी एक गाइडलाइन तय है, उस गाइडलाइन के हिसाब से मरीज की एज 65 ईयर्स होनी ज़रूरी है, उससे ऊपर वाले को हम नहीं लेते हैं। अगर उसकी क्लिनिकल कंडीशंस ठीक है तो हम 65 से ऊपर वालों को भी ले रहे हैं, लेकिन गाइडलाइन यही है। CT स्कैन किसी ने करवा रखी है मरीज ने, उसका स्कोर 10 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये हमारी गाइडलाइन है। और अगर क्लिनिकली पेशेंट ठीक लग रहा है तो हम 12-15 तक भी ले रहे हैं। इसके अलावा पेशेंट की कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव होना कंपलसरी है, जिसके पास पॉजिटिव कोविड की रिपोर्ट होगी उसी का हम एडमिशन यहाँ पर करते हैं। अटेंडेंट का कोई भी आइडेंटिटी कार्ड हमें कंपलसरी है, वो लेना ही होता है, बिना अटेंडेंट के हम किसी को एडमिशन नहीं करते। बिल्कुल, अटेंडेंट के लिए पूरी व्यवस्था बनाई हुई है, अलग से पूरा अटेंडेंट का आवास बनाया हुआ है, कमरे हैं अलग, सेपरेट लेटबाथ बने हुए हैं उनके लिए, उनकी भोजन की व्यवस्था भी निःशुल्क है, रहने की व्यवस्था भी निःशुल्क है, मरीजों के लिए भी हर मरीज के लिए अलग लेटबाथ बना हुआ है, स्टाफ के लिए अलग लेटबाथ बना हुआ है। कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी पेशेंट को एडमिट किया जो 60 आपके रूल ऑफ रेगुलेशन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही हालत है वो, उसके बाद में तभी दवाई वगैरह आपके टाइम पे मिल रही है? हाँ बिल्कुल, टाइम पे मिल रही है दवाई, नाश्ता, खाना वगैरह सब टाइम टू टाइम मिल रहा है। क्या दिनचर्या रहती है आपकी? सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 7 o'clock हम लोगों से योगा करवाते हैं, हम लोग योगा करते हैं, फिर उसके बाद 8 बजे नाश्ता मिलता है, फिर डॉक्टर साहब चेक करने आते हैं, टेम्परेचर वगैरह नापते हैं और मेडिसिन वगैरह मिलती है, फिर उसके बाद नारियल पानी मिल जाता है 10 बजे करीब, फिर आधे घंटे बाद फ्रूट सैलेड वगैरह मिल जाता है, फिर 12 बजे खाना मिल जाता है, फिर 2 बजे एक बार मेडिसिन के लिए डॉक्टर आते हैं और नर्सिंग स्टाफ आता है, फिर उसके बाद 3:30 बजे या 4 बजे करीब हवन होता है, फिर उसके बाद शाम को नाश्ता मिल जाता है, फिर 7:30 बजे खाना आ जाता है, फिर 8 बजे मेडिसिन और 9 बजे करीब हल्दी वाला दूध मिल जाता है, ऐसे करके बढ़िया सारा कुछ। मुझे 10 दिन हो गए हैं, 10-11 दिन। कंफर्टेबल फील हो रहा है? हाँ बिल्कुल कंफर्टेबल फील हो रहा है, और आया था तब मेरा जो मैंने HRCT कराया था, HRCT का स्कोर 12 था, तो जो लंग्स हैं वो एकदम फंसे हुए से थे, लेकिन यहाँ रेगुलर मेडिसिन प्रॉपर मिल रही है तो उससे काफ़ी बेटर फील कर रहा है।
नहीं 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 ऐसा कोई चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं। हाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ मेरा नाम प्रदीप है, मैं अजमेर रोड धवास से है। किसने बताया आपको सेंटर के बारे में, कैसे क्या? सेंटर के बारे में हमारे क्षेत्र के पूर्व पार्षद थे महेंद्र जी लोहिया, उनसे पता चला। और वैसे हम लोग आरएसएस की जो शाखा होती है वहाँ मिलते रहते थे, तो हम लोग जो पुराने जानकार थे उन्होंने फिर मुझे बताया कि आप वहाँ चले जाइए। कैसे क्या शेड्यूल रहता है उनका सारा दिन का, कैसे क्या आप ऑपरेशन करते हैं उनको? मैं माधव आइसोलेशन सेंटर के अंदर चिकित्सा व्यवस्था की जिम्मेदारी मेरे पास में है। व्यवस्थाएं पूरी बटी हुई है, भोजन व्यवस्था अलग लोग देख रहे हैं, सफाई की व्यवस्था कुछ अलग लोग देख रहे हैं। मेरे पास में वर्तमान में अभी चिकित्सा की व्यवस्था है। मरीज़ का सुबह उठने का समय है वो 5:30 बजे का है। 5:30 बजे उठते ही इनको फ्रेश होना होता है, उसके बाद में चाय दी जाती है। चाय के बाद में सबको एक साथ प्राणायाम योगा सारे अपने संग कराते हैं। उसके बाद में फ्रेश होके अंदर आ जाते हैं, उनको नाश्ता मिलता है। नाश्ते के बाद में इनका सबका पल्स, बीपी, टेम्परेचर, ऑक्सीजन और दवाई देते हैं एक साथ। ऐसे पूरा हर एक घंटे के अंदर हमारा नर्सिंग स्टाफ आके इनको देखता है। हर मरीज़ के पास में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सुविधा है, हर मरीज़ के पास में अपना खुद का पल्स ऑक्सीमीटर है। दवाई जो कोविड की चल रही है वो सारी निःशुल्क है हमारी तरफ से। उसके अलावा भी कोई दवाई अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम पूरा प्रयास करते हैं मरीज़ को उपलब्ध करवाने के लिए। निःशुल्क खाना है, सब कुछ सारा सिस्टम संकेत है। कितने दिन से चल रहा है ये? 14 तारीख को अक्षय तृतीया के दिन इसकी शुरुआत हुई थी। स्टार्टिंग में यहाँ 2 मरीज आए थे पहले दिन, अभी वर्तमान में आज 11 पेशेंट एडमिट है। अब तक अपन ने 4 मरीजों को बिल्कुल ठीक करके यहाँ से अपने घर भेज दिया है। अभी कितने तारीख के बाद में कुछ डिस्चार्ज हुए हैं यहाँ से? कितने चार पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं। एक आज हुआ है, एक कल हुआ था, 2 परसों हुए थे। अभी वर्तमान में 11 पेशेंट एडमिट है आपके सामने। एक तो पूरी फैमिली एडमिट है। बच्चे को भी लाना होगा? बच्चे को? हाँ बच्चा नहीं है, बच्चा वो है। वो बच्चा ही है। कोविड पेशेंट है। क्या नाम है बेटा आपको? अंशुल। अंशुल कब आए थे आप यहाँ पे? आज ही आए हो। आपको खाना वाना सब मिला? हाँ। दवाई वगैरह सब कुछ मिल गया? हाँ। किसके साथ आए हो आप? पापा के साथ। पापा भी आपके इसी सेंटर में एडमिट है? हाँ। अब आपको सुबह से अच्छा फील हुआ है? मैं अभी आया हूँ शाम को। शाम को आया? आपको मन में कोई डर है कुछ है? नाम बताया मैंने आपने? भूमिका। कब से एडमिट है आपने? सर आज 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए। आपको दवाई वगैरह सब कुछ टाइम से खा? हाँ सर, सर चीज़ टाइम से। सब्सक्रिप्शन हो आप उनकी यहाँ की सेवाओं से? हाँ सर। दर्द कैसा है आपका? सही सर। काफी मुझे दिक्कत हो रही है? सही। कब सिर्फ मिल गई आपको? हाँ मिल। आराम? हाँ सर। क्या नाम है? नाम बताओ आपका। भूमिका। जयपुर से ही सर। खातोज गांव से। किसने बताया आपको सेंटर के बारे में? कहाँ से आपको? सर हमारे पिताजी ने बताया था। आपके पिताजी? हमारे पिताजी मेडिकल लाइन में, तो उन्होंने बताया था।